हाथ में मशाल और प्यार का पैगाम लेकर राहुल गांधी जम्मू पहुंच गए हैं। गुरुवार शाम को पठानकोट के रास्ते कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में एंटर हुई। जम्मू में राहुल गांधी का एक बार फिर अलग अंदाज दिखा। सूरज ढलने के बाद जलती हुई मशालों के साथ जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी ने हाथ में मशाल थामे एक तस्वीर इस दौरान सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें लिखा था, बुझता दिया नहीं जलती हुई मशाल हूँ, नफरत के अंधेरों में प्यार का चिराग हूँ। 3000 मशाल के साथ भारत जोड़ो यात्रा ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। इससे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मशाल थामी थी और शिवाजी को नमन किया था। राहुल गांधी के साथ दूसरे कांग्रेस नेता भी मशाल लेकर पदयात्रा करते दिखे। कठुआ के लखनपुर से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दी। आपको बता दें, जिस यात्रा को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू किया था, अब वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। 9 से 10 दिन ये यात्रा जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान गुपकार गठबंधन से जुड़े नेता भी इसका हिस्सा बनेंगे। जम्मू पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत करने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। वो पहले भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला भी मशाल के साथ नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का दिल खोल कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कई सदियों पहले शंकराचार्य दक्षिण भारत से आए थे और आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर आए हैं। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को, जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माएँ बहनें भाई चल सकें, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद, हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय हिंद, जय हिंद, भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जय हिंद। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कई तस्वीरें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई हैं। जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी को यात्रा हटली मोड़ से चढ़वाल के बीच रहेगी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हीरा नगर के चढ़वाल में यात्रा 20 जनवरी को रुकेगी। वहीं 22 जनवरी को सुबह चढ़वाल से यात्रा सांबा की ओर रवाना होगी। बता दें कि 7 सितंबर को ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब ये यात्रा खत्म होने जा रही है। 30 जनवरी को कश्मीर में एक बड़े इवेंट के साथ भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस ने 21 विपक्षी दलों को न्योता भेजा है।